हाय, मैं सेल्यूकस। ललितागिरी को नालितागिरी भी कहा जाता है। ललितगिरी में बुद्धिस्टों का स्तूप और विहार मौजूद है, जो अति प्राचीन है। कहा जाता है बौद्धिक भिक्षुक यहाँ पे तांत्रिक बुद्धि कला सीखते थे। रतनगिरी, उदयगिरी और ललितागिरी को डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। ललितागिरी महंगा तहसील में कटक डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, जो कटक से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयगिरी से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ललितागिरी, और रत्नागिरी से ललितगिरी का दूरी 12 किलोमीटर। ये उल्लास जो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है, कभी भी आना हो आप इस मंदिर का दर्शन। और ये बुद्धिस्टों का यहाँ पे ललितागिरी के म्यूजियम है, जिस म्यूजियम पे कहा जाता है बुद्ध के 2 दांतों को वहाँ 2 डिब्बी पे रखा गया है, जिसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कई तरह की बुद्ध का प्रतिमा का अलग अलग अवस्था को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे मौन अवस्था या मुद्रा अवस्था या फिर योग अवस्था में दिखाया गया है। ये बुद्धगिरी अति प्राचीन है। यहाँ पे आके आप जरूर एक बार प्रस्थान करें और समझने की कोशिश करें कि या मैंने एक बुद्धिस्टों का बहुत ही खूबसूरत और पुरातन काल के यहाँ पे म्यूजियम है, जिस पे ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ जाने के प्रवेश करने के लिए इस म्यूजियम पे आपको 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और आप अंदर पे इस ललितागिरी पहाड़ पे बुद्ध भिक्षुकों का पुरातन काल के विहार और स्तूप्स का आप दर्शन कर सकते हैं। ये है म्यूजियम। इस म्यूजियम पे पहले यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया है कलकत्ता से आके इसकी छानबीन करके यहाँ पे जो भी पुरातन काल की वस्तुओं को एकत्रित करके यहाँ पे रखा गया है। ये बहुत ही अति मनमोहक दृश्य है। यहाँ से देखोगे तो दूर दूर तक खेत ही खेत और लंबे लंबे पेड़, ताल के पेड़ नज़र आएंगे। यह बहुत ही रोमांचक हैं। यहाँ पे जनवरी के लास्ट वीक पे यहाँ पे पर्व मनाया जाता है। इस मंदिर पे यहाँ पे जो मंदिर है उल्लास मंदिर, यहाँ पे तरह तरह के मेला लगते हैं। यहाँ पे बहुत ही रोमांचक मेला होता है, इससे भी लोग देखने आते हैं। इस मेला को गुंफा मेला के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये एक स्तूप है, ये पास में बहुत ही सुंदर और रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है इसके ऊपर से। ये यहाँ की रोमांचक वादियों में बहुत ही अच्छा शांत वातावरण देखने को मिलता है। यह महंगा तहसील में आता है, कटक डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो भुवनेश्वर से या कटक से आपको 90 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा हुआ एक छोटा सा गांव है
जहाँ के लोग बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छे अच्छे पत्थरों पे कलाकृति करते हैं। बौद्ध के तो बहुत सारे प्रतिमाओं का यहाँ पे बनाकर लोग यहाँ के पहाड़ों के पत्थरों से हमारे अलग अलग जगहों पे ये भेजते हैं। ये बहुत ही रोमांचक जगह है जहाँ पे पत्थरों से उसको तोड़ तोड़ कर बुद्ध की प्रतिमा बनाया जाता है। ये बहुत ही फेमस है ललितागिरी बुद्ध की प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियाँ बनते हैं बुद्ध जी की। और इसका आप अगर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपका सामने ले आ सकूँ।